अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। दर्शकों, आपके ऊपर बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली के 15 दिन बाद आता है देव दीपावली का पर्व। देव दीपावली जो है, आप सभी को पता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को जो है हम दिवाली मनाते हैं, और कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली जो है वो मनाई जाती है। और आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो है देव दीपावली का जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो महत्व है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली जो है वो मनाई जाएगी, और इस दिन जो है वो रविवार है, और पूरे वर्ष काशी में जो है मनाई जाने की ये जो है परंपरा आपने देखी होगी। हर वर्ष काशी में जो है ये मनाई जाती है, और काशी पर कहते हैं कि काशी के घाटों पर जो है सभी देवता जो है वो आते हैं, और देव दीपावली पर जो है वो ऐसा मान्यता है कि जो है देवों का जमावड़ा जो है वहाँ पर काशी के घाटों पर लगता है। तो इस साल में आपने क्या ऐसे उपाय करने हैं, और दीपावली पर अगर कुछ उपाय आपके रह गए हैं तो देव दीपावली पर आप मना लीजिए देवों को, और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है आपके घर पर आए, आपके घर, आपके संस्थान पर, आपके घर पर, और माँ की कृपा आपके ऊपर बहुत बहुत बरसे। इसके लिए जो है हम कुछ उपाय करेंगे। आप सभी को पता है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस को जो है उस पर जीत प्राप्त करने के बाद देवताओं की दिवाली जो है ये जो है मनाई जाती है। और आपको पता ही है कि श्री विष्णु हरि जो हैं वो 4 महीने के बाद जो है देव उठने काची पर जो है वो जागते हैं, और यहाँ पर जो है माता रानी जो है वो 15 दिन पहले ही जाग जाती है। माँ लक्ष्मी जो है वो 15 दिन पहले से ही तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर देती हैं जब दीपावली आती है, अमावस्या पर जब दीपावली पड़ती है, और माँ जो है तभी जाग जाती है, और उसके बाद 15 दिन के बाद देव उठने काची पर जो है श्री हरि विष्णु जो है अपनी निंद्रा से जागते हैं। और इस दिन जो है यहाँ पर जो है देव जो यहाँ पर देव दीपावली जो है ये मनाई जाती है, और यहाँ पर रविवार को देव दीपावली जो है वो मनाई जा रही है इस दिन जो है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कोई देखेंगे दोपहर को 12:47 पर जो है आरंभ हो रहा है, और 30 नवंबर को सोमवार तक 2:59 तक का समय है। ऐसे में दीपावली जो है वो आपकी रविवार को जो है वो मनाई जाएगी। अब हम कहते हैं कि देव दीपावली का जो महत्व है, आपको पता ही है कि ये बहुत बहुत जो है महत्व है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जो यहाँ पर जो काशी के जो घाट होते हैं वहाँ पर संध्या के समय जो है आरती होती है, पूजन होता है, और यहाँ पर दान, स्नान और उपासना, यज्ञ आदि का जो है प्रबंध जो है वो किया जाता है। और इसलिए जो है यहाँ पर आज के दिन कहते हैं कि आज के दिन जो किए हुए जो दान करने से 10 यज्ञों के समान आपको पुण्य की जो है वो प्राप्ति जो है वो होती है। 10 यज्ञ यानी कि आपने 10 यज्ञ जो है वो कर लिए, और इस दिन आप दान कर लेंगे। दान में आप कुछ भी दान जो है वो कर सकते हैं, उसका पूरा फल आपको जो है यहाँ पर जो है मिलता है। और यहाँ पर अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो दिवाली के शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 5:08 से जो है ये शुरू हो जाएगा, और शाम 7:47 तक रहेगा। इस दिन आपने क्या ऐसे कार्य करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती रहे, तो आपने आज के दिन जो है वो गंगा स्नान जो है वो ज़रूर करना है। गंगा स्नान अगर आप करते हैं तो बहुत आपको अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। 9 डुबकी जो है वो ज़रूर लगाएं। अगर आप गंगा नहर के पास में नहीं जा सकते हैं, अब दूर हैं, लॉकडाउन के अंदर हैं, तो आप अपने घर के अंदर ही गंगा जल से स्नान कर ले। अब कई लोग सोचेंगे कि गंगा जल अब नहीं मिल पा रहा है, तो वो कच्चा दूध जो है वो बाल्टी में डालकर और बकेट को पूरा कच्चे दूध से भरकर आप जो है वो स्नान कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र जो है नदी हो, नहर हो, कोई झील हो, झोड़ हो, तालाब हो, तो वहाँ पर 3 दीपक जो है वो ज़रूर जलाएं। एक अपने कुल देवी देवता का, एक जो है आपके कुल देवी देवता का, एक अपने इष्ट देव का, और एक दीपावली का जो दिया जो है वो 3 दिए जो है वो ज़रूर जलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको जो है दिए ज़रूर जलाने हैं। जैसे कि हम दीपावली मनाते हैं, ऐसे ये देवताओं की दिवाली है। देव जो है इस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न मुद्रा में देवता आपको क्या फल दे जाएं, इस प्रसन्न मुद्रा में आपको क्या फल दे जाएं, तो वो
बस भगवान ही जानता है या आप लोग जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चमत्कार जो है वो होने वाला है इस देव दीपावली की, जो है ना कुछ नहीं आप कर सकते। अगर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते आप, तो आप देव दीपावली की जो कथा है वो ज़रूर सुने, जो ये कथा है जो ये इसको ज़रूर सुने। और जिस प्रकार से भी राक्षसों का जो जो उनका घमंड जो है वो चूर चूर किया था श्री जो है शंकर भगवान ने, तो उसकी कथा जो है वो ज़रूर सुने। ये दिन जो है विष्णु भगवान का दिन है, इस दिन जो है आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर में जाकर पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल और पीले रंग के फल, पीले रंग के जो है मिष्ठान जो है वो ज़रूर अर्पित करें। आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार आपको रिज़ल्ट जो है वो देखने के मिलेंगे। अगर आप जो है खीर भी चढ़ा देते हैं, अगर खीर को खीर का भी जो है आप जाकर माँ लक्ष्मी के आगे सफ़ेद जो है खीर और उस पर थोड़ा सा केसर डालकर रखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया आपको जो है रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो देवताओं की जो दिवाली है, ये दिवाली जो है देखिए हम जो है अमावस्या में दिवाली मनाते हैं, और ये कार्तिक मास की जो है पूर्णमासी को जो है दिवाली आती है, वो देवताओं की दिवाली होती है। तो इस दिन जो है ना मैंने आपको टाइम भी बता दिया है कि इस टाइम पीरियड पे आपको पूजा वगैरह करनी है, आरती करनी है, और बहुत ही आपको बढ़िया इसके रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने चाहती हूँ कि एक और उपाय, एक और ऐसा उपाय है जिसको करते ही आपके समस्त कष्ट पाप आपके दूर होते चले जाएंगे। इस दिन आपने गाय की सेवा जरूर करनी है, गाय को आपने कुछ भी मिष्ठान आज आपने जरूर जो है खिलाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये पर्व भगवान शिव ने के त्रिपुरासुर पर विजय के प्रतीक के रूप में जो है मनाया जाता है, और त्रिपोस्तव और जो है ये त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी ये जो है ये जो देव दीपावली है ये जानी जाती है। तो देव दीपावली की आप सभी को शुभ 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 कामनाएं मेरी तरफ से। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने क्या करना है, एक आखिरी उपाय जो माँ उपाय है, और ऐसा माँ उपाय आपको माँ टिप जो आपको देने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। इस दिन आपने किसी खुले आकाश में, किसी पार्क में, अपनी छत पर, अपनी बालकनी पर, अपने वेस्ट की साइड में आपने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ फैला लीजिए, और वहाँ पर जो है आपने माँ लक्ष्मी से आपने प्रार्थना करनी है कि माता रानी इस देव दीपावली पर, और वहाँ पर एक दिया जरूर जलाना है, कैंडल जरूर जलानी है, और वहाँ पर आपने प्रार्थना करनी है कि माता रानी इस बार मेरे घर भी ज़रूर आओ, मुझे अपना बच्चा समझकर आशीर्वाद दो, और इस दीपावली को जो देवों की दीपावली को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मेरे ऊपर भी माता रानी थोड़ा सा जो है पैसों की वर्षा और धन धान्य से मेरे घर के भंडारे जो है माता रानी भरो, और ये जो है आपको उपाय जो है वो करना है। और उसके बाद ये प्रार्थना करने के बाद जो भी आपके मन में प्रार्थनाएं, जो भी आपके दिमाग में उस वक्त चल रहा है, जो भी आपके इच्छाएं चल रही हैं, जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, खुलकर माँ लक्ष्मी को बोल दीजिए, और अपने हाथों को, दोनों हाथों को आसमान की तरफ कर लीजिए, और माता रानी को बोलिए कि माता रानी इस बार मेरे भंडारे आपने ज़रूर भरने हैं, दीपावली पर जो कमी रह गई है वो देव दीपावली पर पूरी कर लीजिए। और उसके बाद आपने वो दोनों अपने हाथों को जो है रगड़कर आपने अपने फेस पर लगा लेना है, पूरा थोड़ा सा टैपिंग कर देनी है, और फेस पर लगाइए, अपनी आँखों पर लगाइए, अपने मुख से वो अपने हाथों को स्पर्श कीजिए, और उसके बाद प्रार्थना करते हुए अपने घर के अंदर आ जाइए। और आज के दिन आप किसी उपले पर, गाय के गोबर के उपले पर जो है आपने जो है लोबान अगर आप लगा सकते हैं, तो लोबान जो है माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी अगर आप उनकी प्रिय वस्तु को अपने घर में आज पूरी धुनी जो है लोबान की दे देते हैं, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा, और ऐसा उपाय जो होगा आपके जीवन को चमत्कार लाएगा। दीपावली पर जो हमसे कमियाँ रह गई हैं, कुछ चीज़ें हमसे जो है छूट गई, तो वो ये समय जो है आ गया है, आप देव दीपावली पर, देवताओं की दीपावली पर देवताओं को खुश करके अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी लोग हमारे आदित्य परिवार का हिस्सा हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसी आपको लगी जानकारी इस पर हैप्पी देव दीपावली लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, हैप्पी देव दीपावली।
जो है लिखना मत भूलिएगा। और दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूँगी, अंत में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगी कि देखिए हम लोग दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे रोज़ आपसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मिलते हैं। उसमें आप हमसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना जो है क्वेश्चन लिखकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव चैट में हमसे जुड़िए। लाइव चैट में 3 बजे के दौरान ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम होता है। हम लोग आप लोगों की देश की सेवा के लिए, और ये जो जब से लॉकडाउन हुआ है उससे पहले से ही हम लोग आपके सेवा के लिए जो है तत्पर हैं, और रोज़ जो है कई भाई बहन इसका लाभ जो है वो उठा रहे हैं। उनके पास अगर कोई आपके पास, देखिए हर कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता है बेचारा, कोई गरीब है, कोई अमीर है कैसा नहीं है, जो अमीर लोग होते हैं तो ले लेते हैं, जो बेचारे गरीब हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं इस लॉकडाउन पे कोरोना काल में, जो लोग बड़े परेशान हैं वो लोग जो हैं लाइव पर जुड़िए। अपने बच्चों की अपनी पत्रिकाओं का डिस्कशन करवा कर जो है आप हमारा जो है इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये निःशुल्क सेवा है आप सभी भाई बहनों के लिए। संजीव जी और मैं निःशुल्क सेवा जो है वो दे रहे हैं जब से कोरोना काल चला है, जब से लॉकडाउन हुआ है। तो दर्शकों आप भी हमसे जुड़िए दोपहर को 3 बजे, रात को 10 बजे इस लाइव प्रोग्राम पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।